अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार से उलझने और बीएमसी द्वारा ऑफिस तोड़े जाने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी एंट्री ले सकती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आमंत्रण भेजा है। कांग्रेस ने कंगना को उनकी फिल्म मणिकर्णिका की याद दिलाते हुए कहा है कि उन्होंने फिल्म में सिंधिया को राष्ट्रद्रोही कहा था। उन्हें ग्वालियर आकर लोगों को बताना चाहिए कि गद्दार कौन है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा है कि कंगना को ग्वालियर आकर सिंधिया की हकीकत लोगों को बतानी चाहिए। प्रदेश में 27 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बयान, भाषण और ट्विटर के जरिए हमला बोल रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने एक बार फिर कंगना रनौत के बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। के मिश्रा ने ट्वीट कर और वीडियो मैसेज जारी कर लिखा कि कंगना रनौत जी, मणिकर्णिका में झांसी की रानी के रूप में आपने सिंधिया को राष्ट्रद्रोही बता ऐतिहासिक तथ्य को नवाजा है। हर पल रंग बदलने वाले शिवराज सिंह चौहान अब अपने बगल में बैठा कर उन्हें देशभक्त बता रहे हैं। आप आमंत्रित है, ग्वालियर नारी शक्ति के सम्मान का इंतजार इस भूमि को भी है। दरअसल बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस गद्दारी करने का आरोप लगा रही है। इस मामले में प्रतिक्रिया देने से बचते रहे सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपने हालिया दौरे में कमलनाथ पर जनता से गद्दारी का आरोप लगाया। इसके जवाब में अब कांग्रेस कंगना रनौत और उनकी फिल्म मणिकर्णिका को हथियार बनाकर सिंधिया पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना नीत राज्य सरकार में कांग्रेस भी साझेदार है और गृह विभाग उसी के पास है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मंत्री कंगना के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। ये बात काफी रोचक लग रही है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रों से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।